नमस्कार दोस्तों, आज का इंग्लिश क्लास का चैप्टर नंबर थर्ड है इको एंड नार्सिसस। इसके सभी ट्रांसलेशन को हम लोग आज ट्रांसलेट करेंगे और देखेंगे किस टाइप के ट्रांसलेशन इसमें अवेलेबल है। चलिए देखते हैं, ट्रांसलेशन को करते हैं। इसमें पहला सवाल हमारा दिया हुआ है, पहला सवाल दिया हुआ है मैंने उसे पार्क में बैठा हुआ देखा। अगर हम लोग इस टाइप के सेंटेंस से कितने बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे मैंने उसे खेलते देखा, मैंने उसे वहाँ कुछ करते देखा, मैंने उसे किसी और के साथ देखा, इस टाइप के सेंटेंस इसी से रिलेटेड हम लोग बना सकते हैं। चलिए तब तक इसमें जो दिया है इसको हम सॉल्व करते हैं। आप लोग चाहिए तो इसी से रिलेटेड उसको भी बना सकते हैं। इस टाइप के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। इसमें दिया हुआ है मैंने उसे पार्क में बैठा हुआ देखा। वी कैन ट्रांसलेट इन इंग्लिश आई सो हीम सिटिंग इन द पार्क, दैट्स करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने उसे पढ़ते हुए पाया। इट मीन्स यू कैन यूज लाइक दैट सेंटेंसेस, मैंने उसे किसी और के साथ खेलते हुए देखा। यू कैन ट्रांसलेट लॉट्स ऑफ and make lots of sentences in other word this type. And second question hamara hai, 2 number question, maine use padhte hue paya, I found him reading, ya maine use uske sath khelte hue dekha, I found him playing with them, ya maine use kisi aur ke sath paya, to I found him with any other person. You can make lots of sentences like that. And next question hai, उसने मुझे सोया हुआ पाया, ही फाउंड मी स्लीपिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पुलिस ने चोर को भागते हुए देखा, द पुलिस सॉ द थीप फ्लोइंग, यानी पुलिस को भागते हुए पुलिस ने चोर को भागते हुए द पुलिस सॉ द थीप फ्लोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लड़का चलती हुई गाड़ी से कूद पड़ा, यानी अ बॉय जम्प्ड फ्रॉम अजर रनिंग ट्रेन। इस टाइप का सेंटेंस को इस तरह बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, मैंने एक पिए हुए आदमी को वहाँ देखा, तो आई शो अ ड्रिंकिंग मैन देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इस कमरे में 2 टूटी हुई कुर्सियाँ थी, देयर वर 2 ब्रोकन चेयर्स इन दिस रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसने घायल आदमी की बहुत सेवा की, ही सर्व्ड द वुडन मैन वेरी मच, उसने बहुत ज़्यादा उस घायल आदमी की सेवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैंने उसे कमरे में ताला लगाते देखा, आई शॉ हिम लॉकिंग द रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबह में टहलना लाभदायक है, इन द मॉर्निंग वॉकिंग इज यूजफुल। एंड 11th क्वेश्चन है सिगरेट पीना हानिकारक है, स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का लास्ट ट्रांसलेशन है मैं गाना जानता हूँ। इसको 2 तरीके से बनाया जा सकता है, एक तो हो जाएगा आई नो सिंगिंग और दूसरा हो जाएगा आई नो हाउ टू सिंग। तो दिस वीडियो विल बी गोइंग टू फिनिश नाउ। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो जुड़ जाएँ, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं 10th क्लास का भी वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं, जिसमें सभी विषय का वीडियो होगा। अगर आप लोग मेरे वीडियो से जुड़े रहेंगे तो नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा और आप लोग इससे वंचित नहीं रह पाइएगा। और आप लोग को उम्मीद करता हूं कि इससे जहां तक होगा मैं आप लोग को बेहतर से बेहतर वीडियो डालूँगा, ताकि आप लोग को अच्छा लगे और आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।